हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सर्कल एस एंड जेड। सर्कल एस एंड जेड, द कंसोनेंट्स एस एंड जेड आर रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय द स्ट्रोक एस एंड जेड बट आल्सो बाय अ स्मॉल सर्कल। इनिशियली द सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट साउंड ऑफ एस ओनली, मिडल एंड फाइनली it is represents the sound of s and z also. circle of s and z कह रहा है initial में z आ जाए जब भी तो कभी भी circle represent नहीं होगा, circle represent नहीं होगा। just example zeal, तो z complete बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, एस और जेड का सर्कल। एस इनिशियल में आए तो भी एस का सर्कल, फाइनल में आए तो भी एस का सर्कल, स्टेट डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ। कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं स्टेट डाउनवर्ड, टी बी टी डी जे एंड जे, स्टेट डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ एस का सर्कल। स्टेट डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ एस का सर्कल कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड। कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड। एस पी एस बी एस टी एस डी एस जे एस जे, क्लियर है। लो जी एग्जाम्पल, इस मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं कहता हूँ पेस, ये तो इनिशियल था, फाइनल में भी तो आ सकता है ना, पी के बाद राइट हैंड साइड में एस का सर्कल, क्लियर है। उसके बाद क्या है, स्टेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, कौन कौन से होते हैं, के एंड के दो ही होते हैं बस। ये अगर राइट है तो ये हमेशा इसके अपोज चलेगा, ध्यान रखना ये चीज को। लो जी ये लेफ्ट इसका कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, के एस एंड गे एस, जस्ट एग्जांपल कीज, क्लियर है। उसके बाद क्या है, स्टेट अपवर्ड स्टॉक, रे वे ये हे, क्लियर है। ये लेफ्ट है तो ये भी इसी के साथ ही चलेगा, कहां, लेफ्ट हैंड साइड, कहां, लेफ्ट हैंड साइड। आर एस वे एस ये एस एंड हे एस, जस्ट एग्जांपल रेज, क्लियर है। इसमें इनिशियल में भी आ सकता है, जस्ट एग्जांपल सोरी सोरी, क्लियर है। चले आगे, उसके बाद बात क्या रह गई, सिर्फ कर्व स्ट्रोक्स की, किसकी रह गई, कर्व स्ट्रोक्स की, कर्व स्ट्रोक्स एफ वी इथ थी एस जेड इश जी एम एन इंग एल आर, और तो कोई कर्व स्ट्रोक नहीं होता, क्लियर है। कर्व स्ट्रोक का आज के बाद हम याद क्या रखेंगे, कर्व स्ट्रोक्स का किसी भी अटैचमेंट के साथ लेफ्ट राइट नहीं होता, तो लगाएंगे कहां, इनसाइड द कर्व, जहां से स्टार्ट हो रहा है तो वहां के अंदर की तरफ, क्लियर है। एस इथ एस इस एस 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 जेड एस इश एस जी एस एम एस एन एस इंग एस एल एस आर, ये इनिशियल हो गए, फाइनल में आएगा तो भी क्लियर है हमारे को। जस्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ सेफ हो तो आपने कहना ये क्लियर है, यही अगर फेस आ गया तो फेस, क्लियर है यहां तक, पक्का। चले आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कि अगर मिडल में आ जाए, दो स्ट्रोक्स के बीच में आ जाए, जस्ट एग्जांपल गास्प, तो क्या करेंगे, लेफ्ट राइट ना देखते हुए जहां से हमारा राइट मोशन, जहां से क्लियरिटी ऑफ एस आ रही हो वहीं पे एस को घुमा देंगे, ठीक है जी। चले आगे, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहे जी एस का सर्कल है वो ग्राम लॉक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल कम है, कम ऐसे बनता है, अगर अब कम्स आ गया तो क्या करेंगे, कम्स में एस लगा देंगे बस, क्लियर है। कम में मैंने ऑलरेडी पीछे कट लगवाया था आपसे, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या है, कह रहे स्टोक एल एंड सर्कल, when stroke L immediately precedes or follows a circle which is attached to a curve, it is written in the same direction as the circle.
अब कह रहा है कि जो एल है वो अपवर्ड भी बन सकता है एंड डाउनवर्ड भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू स्टॉक. जस्ट एग्जाम्पल जैसे है वैसला, वैसल. क्लियर है? डाउनवर्ड चला गया. अगर कोई और एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें हमारे को अपने ले जाना हो, जैसे लूजर, लूजर. क्लियर है यहां तक? पक्का? चले आगे. उसके बाद क्या कह रहा है, एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बता रहा है. कह रहे जी अ लाइटली साउंडेड वोवल मे बी ओमिटेड. कह रहे जी लाइट वोवल साउंड को हमको डे टू डे छोड़ना पड़ेगा. जस्ट एग्जाम्पल पॉइजन. अब पॉइजन में ओए का साउंड आ रहा है, सारा स्टॉक अबव द लाइन बनेगा ओए. अब मैं एस ओ एन का जन है, यहां पे अगर वोवल ना लगाऊ तब भी काम चल रहा है, तब भी हमारे से पॉइजन ही पड़ा जाएगा ना. तो ये वाला वोवल हम ना भी लगाएं तब भी काम चल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल एक और है रेफ्यूजल, रेफ्यूजल, रेफ्यूजल. अब जल का वोवल ना भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा. ठीक है? क्लियर है? उसके बाद क्या है ग्रेमलोक्स. इस चैप्टर के क्या है ग्रेमलोक्स, ब्लड ऑफ स्टेनो. बिना स्टेन ग्रेमलोक्स के स्टेनो की वैल्यू 0. क्या है यूजुअल, क्या है यूजुअल ऑन द लाइन. ऐसा सेम हमने क्या बनाया था शेल, तो यूजुअल में कट लगा देंगे और यूजुअली इसमें कुछ नहीं, एक डॉट लगा देंगे ली की. क्लियर है? उसके बाद क्या है एज, एस का सर्कल अबव द लाइन रिप्रेजेंटेड एज, एज. उसके बाद क्या हैज, क्या करना है बिना हाथ उठाए, ध्यान से देखना पेन को, बिना हाथ उठाए कट लगाना है बीच में. एज और एज में डिफरेंस क्लियर है? उसके बाद है इज, एस का सर्कल ऑन द लाइन हो जाएगा. इज में सेम बिना हाथ उठाए कट, स्ट्रोक छोटा सा बनाना, ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, अदरवाइज छोटा ही रखेंगे स्ट्रोक को. उसके बाद है बी कॉज, बिकॉज, के एस अबव द लाइन रिप्रेजेंटेड एज बिकॉज. उसके बाद है इट सेल्फ, इट सेल्फ, टी और एस का सर्कल इट सेल्फ. क्लियर है? उसके बाद है दोज, थ और एस का सर्कल ओ का वोवल लगा सकते हैं आप दोज में. ठीक है? उसके बाद है थाई सेल्फ, थ एस अबव द लाइन, आई का वोवल भी लगा सकते हैं अगर क्लियर ना हो तो. ठीक है? उसके बाद है दिस ऑन द लाइन, थ एस दिस. एक होता है दीज, कर्दा लाइन हो जाएगा वो. उसके बाद है डज, कर्दा लाइन प्लस में मच वाला वो लगाएंगे आप. क्लियर है? पक्का? इसके बाद एक एक्सर, उसके बाद हमने जो होमवर्क करना है वो क्या करना है, 6 लाइंस पर स्ट्रोक ग्रेमलोक, 32 नंबर पेज पे 23 नंबर एक्सरसाइज पर स्ट्रोक 3 3 लाइंस, 24 नंबर एक्सरसाइज करनी है पर स्ट्रोक 3 3 लाइंस, उसके बाद ग्रेमलोक करके 25 और 26 नंबर एक्सरसाइज भी सेम 3 3 लाइंस पर स्ट्रोक करनी है. एक की डिक्टेशन मैं आपको डाल दूंगा टेस्ट के तौर पे. ठीक है? ऑल द बेस्ट. रेडी फॉर एक्सरसाइज नंबर 26 डिक्टेशन स्टार्ट. इफ मिस नेल्सन विशेस टू सी द वर्क्स शी कैन कम टू this office on Tuesday or Wednesday of this week and I shall be happy to show all the details she may desire to see. Stop. I think it is but fair to, this is the busy season with us and I shall have but a few minutes to spare to Miss Nelson. Stop. My deputy can take charge of the lady. Stop.
I will thank you if you will put the facts to the lady as nicely as you can, because she may think I am an idle fellow with much time at my disposal. Stop. I know you will excuse this appeal, and I hope you will do what I ask, as I should be sorry to upset Miss Nelson or to appear to be rude when she comes over.